इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, संजू सैमसन ने ये कर दिया, इस गलती के लिए माफ नहीं करेंगे अभिषेक शर्मा, दिल ही तोड़ दिया। तीन T20 मैचों के सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा के साथ खेल हो गया। संजू सैमसन के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा सिर्फ 7 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान संजू सैमसन के साथ उनका संतुलन नहीं बन पाया। ग्वालियर में खेले जाने वाले T20 भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का रोमांच शुरू हो गया। तीन मैचों की इस सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। कप्तान सूर्य कुमार यादव के इस फैसले को बिल्कुल सही साबित करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेशी टीम को सिर्फ 127 रन के स्कोर पर समेट दिया। इसके बाद टीम इंडिया के लिए लक्ष्य पीछा करने उतरे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे और तेज गति से शुरुआत की, लेकिन दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बीच एक गलती हो गई। एक रन लेने की कोशिश में इस गलती के कारण अभिषेक शर्मा रन आउट हो गए। इस रन आउट के कारण अभिषेक का दिल टूट गया। अभिषेक शर्मा ने अपने बेहतरीन टच में दिख रहे थे, उन्होंने 7 गेंद का सामना किया जिसमें 2 चौके और 1 छक्के के साथ 16 रन बनाए, लेकिन रन आउट के कारण वह बड़ी पारी खेलने से चूक गए। नहीं चला संजू सैमसन का भी बल्ला। अभिषेक शर्मा के बाद टीम इंडिया के लिए तीसरे नंबर पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए। अभिषेक के विकेट के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रन गति को रुकने नहीं दिया और तेजी से रन बनाए। इस दौरान संजू सैमसन ने भी अपना हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। संजू सैमसन ने 19 गेंदों में 29 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने कुल 6 चौके भी लगाए। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए सिर्फ 14 गेंदों में 29 रन कूट दिए। सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस पारी में 3 बेहतरीन छक्के के साथ 2 चौके भी मारे।